थी कि सुदर्शना देवी जो है पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके धाला दिखा के यहाँ के लोगों को यहाँ पर ड्यूटी देने नहीं। मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी और डीसी साहब तक पहुंचेगी। देखिए हम डीसी साहब के पास अगली बार नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्टर हेल्थ के पास जाऊँ। की बात यह है कि यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते हैं। अगर इस वक्त सरपंचों के अंडर 20 या 30 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का कोई बंदा है। यहाँ पे एमएमएस लागू हुआ है 1 जनवरी से, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। बिल्कुल लोग काफी निकला है कि जिसको अगर हम 10 कार्ड लगाते हैं काम में, अगर एक कार्ड को भी आधार लिंक नहीं होगा तो बाकी की भी पेमेंट नहीं होगी। इससे भी लोग सफा ना दे। आप खाली जो कश्मीर के लिए और बठिंडी और सुजवा के लिए नहीं है, एंटी एनकरेजमेंट जो है वो सब के लिए है, बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी। जैसे कि आपने देना चाहता हूँ डीसी साहब डोडा को भी गुजारिश करता हूँ और सीएमओ साहब डोडा, यहाँ पर एक सुदर्शना देवी है। 27 अक्टूबर को मैंने डीसी साहब के साथ ऑनलाइन मीटिंग में भी यह बात उठाई थी और डेमू और सेमू के साथ मैं हर वक्त बात करता रहता हूँ कि कम से कम वो सुदर्शना देवी जो है 11 साल सुदर्शना देवी जो है पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके धाला दिखा के यहाँ के लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दे। डीसी साहब के पास भी गए, डीसी साहब ने इसके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया भी 2 दिन याद रखा, 2 दिन के बाद भूल गए। सेमू साहब के पास गए, 2 दिन याद रखा, उसके बाद भूल गए। बीएमओ साहब भी बोल गए, लिहाजा मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी और डीसी साहब तक पहुंचेगी। देखिये हम डीसी साहब के पास अगली बार नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्टर हेल्थ के पास जाऊं। की बात यह है कि यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते हैं। अगर इस वक्त सरपंचों के अंडर 20 या 30 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का कोई बंदा है यहाँ पे हमें नहीं मिला। ये बात याद रखनी चाहिए, वो नौकरी से भी जा सकती है। शुक्रिया जाकिर, मैं यहाँ पर यहाँ के जो सरपंच हैं शिविर अहमद शाह साहब उनसे बात करूंगा आखिरकार जो आज यहाँ पर ये इजलास किया गया किस गर्जो गाइज था और क्या इसका पूरा मतलब था। जाकिर शिविर साहब थोड़ा सा फैतुल्ला साहब शुक्रिया आपका कि आप लोग सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है कि हर महीने के जो पहले संडे मंडे आती है उसमें ग्राम सभा रखी जाती है। बोलते हैं जब मछली मर जाती है ना किसी तालाब में, एक मछली मरने से कुछ मछलियां उसमें जो है कुछ बचाई जाती है। उन्होंने उसको अगर एक कनाल रिकवर किया होगा साइड से उसको 10 कनाल दिया होगा, ठीक है। ये बात आप जानते हैं, आप मीडिया के पर्सन है, ये सवाल आप नहीं करने चाहिए थे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं सवाल उठेगा ना कि क्योंकि उसकी भी जमीन ली गई थोड़ी, तभी तो मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ कि जब उसको एक कनाल या 10 मरले रिकवर किए दूसरी जगह पर उसको 10 कनाल दिए होंगे स्टेट लैंड में। मैं आपसे ये बोलता हूँ अपने बंदे को 10 कनाल दूसरी जगह देंगे, वो बाय नेम करके देंगे, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दर्ज करके देंगे। और मैं सबसे ये बात यहाँ से गुजारिश करता हूँ कि अगले महीने में सभी डिपार्टमेंट के लोग आए और अपनी अपनी प्रोग्रेस दिखाए। हर डिपार्टमेंट अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा कि किस डिपार्टमेंट ने 4 साल में कितना काम किया। सिर्फ वाहिद एक जीआरएस हमारे पास था और पीएचई डिपार्टमेंट का एक हमारे पास एक लाइनमैन था, उसके अलावा यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं था। नंबर एक, ग्राम सभा का मतलब यह होता है कि अगर हम लोगों को बुलाते हैं हमारे पास डिपार्टमेंट होने चाहिए क्योंकि हमारी बात जो है वो डिपार्टमेंट तक पहुंचे, गरीब जनता सफर न हो। दूसरी बात यह है कि जब से एनएमएमएस लागू हुआ है 1 जनवरी से, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, बिल्कुल लोग काफी सफर हो रहे हैं। बल्कि मैं पूरे खिताई चुनाव की बात करूं, किसी जगह पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, लोगों को हाजिरी नहीं लगती है। अगर उसके बाद किसी जगह पर हमें जनवरी या फरवरी में हमें प्लान दिया गया है, उसकी वजह से भी हमें मतलब लोगों को काफी नुकसान हुआ है 2022 का। और उसके साथ साथ में जो वेज लिस्ट आज जिनके आधार लिंक नहीं है, मतलब आज तक जिसकी हम जैसे हम पेमेंट करते, अगर किसी काम में 10 कार्ड होते थे, वहां पर अगर 8 कार्डों को अकाउंट के थ्रू पेमेंट होती थी, 2 कार्डों को आधार के जरिए भी पेमेंट होती थी, लेकिन आज ऐसा यहाँ पर सिस्टम निकला है कि जिसको अगर हम 10 कार्ड लगाते हैं काम में,
अगर एक कार्ड को भी आधार लिंक नहीं होगा तो बाकी की भी पेमेंट नहीं होगी, इससे भी लोग सफर हो जाएंगे। गुजारिश करता हूँ कि अगले महीने में सभी डिपार्टमेंट के लोग आए और अपनी अपनी प्रोग्रेस दिखाएं, हर डिपार्टमेंट अपनी प्रोग्रेस दिखाएगा कि किस डिपार्टमेंट ने चार साल में कितना काम किया। एक मैसेज देना चाहता हूं डीसी साहब डोडा को भी, गुजारिश करता हूं और सीएमओ साहब डोडा, यहां पर एक सुदर्शना देवी है। 27 अक्टूबर को मैंने डीसी साहब के साथ ऑनलाइन मीटिंग में भी यह बात उठाई थी और डेमो और सेमू साहब के साथ मैं हर वक्त बात करता रहता हूं कि कम से कम वो सुदर्शना देवी जो है 11 साल से हमारे 60 मकानों का टारगेट मिला है। जिन लोगों के पास मकान नहीं है, आज से पहले मैंने 6 महीने भी एक वीडियो डाली थी, जिन लोगों के पास मकान नहीं है उन लोगों को हमने दिया है। बहुत बड़ा गुजारिश करता हूं कि गवर्नमेंट के रूल मकान बनाए और जल्द से जल्द जिन लोगों के खातों में किस्त पड़ी है वो लोग जल्द से जल्द मकान बने, ताकि हमें आगे। डीसी साहब डोडा से मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि आप जैन के खासकर यहां के जो जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं या ब्लॉक के लोग हैं, ज्यादातर जम्मू कश्मीर बैंक में इनके अकाउंट हैं। मैं डीसी साहब डोडा से मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर कि आप जैन के बैंक ब्रांच से कुछ बात करें, वहां से कुछ टीमें आप गांव में भेजें ताकि लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर जितने भी आधार हैं वो उनके साथ लिंक हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैं जितने भी जो हमारे अंदर डिपार्टमेंट है, मैं उन डिपार्टमेंट से मुद्दबाना है पंचायत में। शिविर साहब, काफी सारे लोगों की शिकायतें हैं जब से मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है जारी किया गया है, बताया ये भी जा रहा है कि काम पर तो हम जाते हैं, काम तो करते हैं, मगर बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाजिरी नहीं लग पाती है, क्या ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल, 10-15 दिन से जो हमने काम शुरू किए है, किसी को 2 दिन लगे हैं, किसी को 4 दिन लगे हैं, किसी को 5 दिन लगे। एक तो यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, दूसरी बात यह है कि ये शुरुआत अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी मतलब करनी थी, इसके लिए इन्होंने डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग देनी थी या 4 या 5 या 6 महीने पहले स्टार्ट करना था इन्होंने ये काम, क्योंकि लोग भी सफर नहीं हो रहे थे। इसके बाद मैं यहां से। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन, मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैद। नाजरीन, आपको बताता चलूं आरडी की तरफ से एक इजलास महीने की पहली जो मंडे होता है, पहला मंडे होता है, उसको एक इजलास बुलाया जाता है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट को बुलाया जाता है। इस वक्त मैं पंचायत घर कलहैंड में हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पंचायत घर कलहैंड है, यहां पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, मगर शिकायत अगर है तो डिपार्टमेंटों से है। सिर्फ यहां पर 2 या 3 डिपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो आरडीडी होता है जिन्होंने इस इजलास को रखा है, हर महीने रखते हैं, और एक होता है पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से। बाकी के जो 22 डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि उनको इस रोड का पता भी होगा, ये रोड कहां से कलहैंड पंचायत घर के लिए जाती है। इसी के बारे में आज मैं इन लोगों से बात करूंगा, क्योंकि यहां पर काफी सारी बातें भी उठी जो है, काफी सारी शिकायतें भी थी डिपार्टमेंट के खिलाफ थी या एजुकेशन या मेडिकल के खिलाफ। यहां पर जाकिर हुसैन है, ये अंदर भी कुछ बात कर रहे थे, काफी सारी बातें इन्होंने की। जाकिर भाई, आपका बहुत बहुत वेलकम है एटीएन में। जी हाँ, शुक्रिया किफायतुल्लाह साहब, आपने मुझे मौका दिया। और सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आवाम को भी ये बात पता है कि गवर्नमेंट ने जो एक चीज़ निकाली थी कि हर महीने के पहले मंडे को यहाँ पर एक इजलास रखा जाएगा, और वो इजलास लोगों को मुझे लगता है कि पता नहीं है वो किस लिए रखा जाता था। वो इसलिए होता, सरपंच साहब तो हमेशा बोलते रहते हैं वीडियोज़ पर भी, फेसबुक पर, ग्रुपों में, हर एक जगह पर, लेकिन लोगों को तब भी समझ नहीं आती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये इजलास रखा जाता था, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के बंदे होने चाहिए थे, जैसे हेल्थ है, आरडीडी के यहाँ पर मौजूद होते हैं, और हमारे साथ ही यहाँ पर जो मेहराजदीन साहब है ये मौजूद होते हैं, पीएचई से ताल्लुक रखते हैं ये मौजूद होते हैं, और आंगनवाड़ी से कुछ यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके अलावा आज तक जितने भी यहाँ पर इजलास हुए, ग्राम सभाएं हुई, उसमें कभी बैक टू विलेजेस में तक मैंने वो लोग यहाँ पर मैंने नहीं देखे, बहुत कम लोग देखे हैं, आज तक देखे ही नहीं है। बात की जाए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है, सबसे बड़ी बात हम शिकायत करें किससे? अगर शिकायत करने के लिए आए, हमें 2 ही डिपार्टमेंट से यहाँ पर शिकायतें दर्ज करने को मिलती है, एक आरडीडी जो यहाँ पर इजलास मुनाकिद करती है, और दूसरे पीएचई जिससे हम ये जो भी शिकायत होती हैं उनसे हम ये बात रखते हैं। लेकिन बात की जाए अगर हम यहाँ पर हेल्थ के बारे में किससे हम बात करें, अगर गवर्नमेंट ने ये इजलास रखे हैं तो किस लिए रखे हैं? वो हेल्थ के मुलाजमीन कहाँ हैं? हम उनसे वो शिकायत रखते। यहाँ पर बात की जाए 2011 से एक यहाँ पर एएनएम
जॉब करती है, उसका नाम है सुदर्शना देवी, वो भलाया प्राणू की रहने वाली है। 2011 से मुझे, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी है। यहाँ छोड़िए, यहाँ के पेशेंट तो बहुत ही ज्यादा मजबूर है। यहाँ की लेडीज अगर किसी के पास चेकअप कराने आए, यहाँ पर नर्स जो है वो है ही नहीं। यहाँ पर 2011 से वो गायब है। वो कभी लीव लेती है प्रेगनेंसी की और कभी लीव लेती है मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली वो टॉर्चर है उसका। मैं गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं बीजेपी से सबसे बड़ी बात जो है बीजेपी गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर आज किसी लोग किसी गरीब को एक कनाल या 10 मरले लेते हो, उसने वो कवर करके रखा होता है, उसमें वो रोजगार हासिल करता है, आप तो सुदर्शना देवी को तनखा देते हैं 20 या 30 हजार तनखा देते हैं, हर महीने की तनखा देते हैं, घर में बैठ के वो तनखा ले रही है। आपकी गवर्नमेंट कहाँ गई? आपकी वो मैं एलजी मनोज सेना साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, आपकी वो पावर कहाँ है? मेरे साथ सरपंच शबीर अहमद शाह थे, मैंने जाकिर से बात की। जाकिर जो है काफी एक्टिव रहता है, कलहन से इनके साथ काफी बातचीत होती रहती है। जाकिर क्या कहने जाएंगे लास्ट में आप? बस कहना यही चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर अगर नेक्स्ट इजलास जो भी होगा नेक्स्ट मंथ में, वहाँ पर यहाँ पर वो सुदर्शना देवी भी होनी चाहिए और ड्यूटी पे भी होनी चाहिए, वरना हम यहाँ से जाएंगे और एक रेजोल्यूशन बनाएंगे, उसकी तनख्वाह हम बंद करा सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तनख्वाह बंद करा सकते हैं। और दूसरे रोड के जो है मुलाजमीन है वो भी यहाँ पर होने चाहिए, एजुकेशन के भी यहाँ पर मुलाजमीन होने चाहिए, ताकि हम किसी से शिकायत दर्ज कर सकें। हम अगर डोडा शिकायत दर्ज करने जाएँ तो वहाँ पर हमें डीसी ऑफिस के बाहर से धकेला जाता है, वहाँ पर हमें डीसी ऑफिस के अंदर आने नहीं देते हैं। और दूसरी जगहों पर जाए तो लोग आज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहाँ से 100 या 200 या 300 रुपया लेके हमने डोडा जाना है, फिर शिकायत दर्ज करनी है, फिर भी वो पता नहीं वो शिकायत दर्ज होगी या नहीं होगी। लिहाजा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम रखा था कि हर महीने की पहले मंडे को यहाँ पर एक इजलास होगा और हर डिपार्टमेंट वहां पर मौजूद होगा, और पंचायत के लोग जो है अपनी अपनी शिकायत उन डिपार्टमेंटों से रखें और वो डिपार्टमेंट जाके उन शिकायत का मुआवजा दे दे, इजाला कर सकें। तो यहाँ पर हमें कोई दिखता ही नहीं है। यहाँ पर एक पीएचई होता है, आरडीडी होता है, आंगनवाड़ी वो होता है, बस उसके अलावा मैं आपको देखता हूँ यहाँ पर, आप भी हमेशा यहाँ पर कैच करने के लिए आते हैं। ये थे मेरे साथ जाकिर, जिनके साथ बातचीत हुई। आपको बताता चलूं कि हर जो है मंडे को इजलास एक हर पंचायत में होता है, और यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते हैं। ये सही में इन्होंने कहा, अभी भी लोग जो है अंदर से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इजलास में आए हुए थे, और सबसे बड़ी शिकायत अगर कोई रही है वो सुदर्शना देवी के खिलाफ रही है। आपने देखा होगा मेरी एक वीडियो में, मैंने डीसी डोडा से बातचीत की थी, 10 मिनट की बातचीत की थी, उसमें मैंने सुदर्शना देवी को लेकर जो है बातचीत की थी, और सीएमओ डोडा को जो है उन्होंने सीधी तौर पर जो है वहां पर बात कही थी कि ये 3 दिन के अंदर अंदर मसला हल होना चाहिए, पर अभी तक 10 दिन हो गए हैं, सीएमओ डोडा ने भी जो है इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं किया है। और अगर बात की जाएगी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम की, उसके ऊपर भी जो है काफी सारी शिकायतें लोगों की तरफ से रही, क्योंकि हाजिरी जो है अपलोड नहीं हो पाती है, यहाँ का जो सिग्नल है काफी ज्यादा वीक है, इसके ऊपर भी बात लोगों की रही। फिलहाल दीजिए अपने मेजबान को जाए, सेंटर से तनखा ले रही है, यहाँ पर दो तीन डॉक्टरों की पोस्ट भी खाली है। अगर ये हमारा हेल्थ सेंटर है 2-3 पंचायतों में मुश्त मिले, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सुदर्शना देवी कभी वो एक लीव डालती है, कभी एक बहाना लगाती है, कभी दूसरा बहाना लगाती है। लोग हमारे यहाँ पे सफर हो रहे हैं, ये कम से कम 30 किलोमीटर डोडा से दूर है हमारा सेंटर। और उसके बाद में मैं लोगों से भी यही मोहतबाना गुजारिश करता हूँ आपके माध्यम के जरिए कि जिन लोगों को आधार लिंक नहीं है वो जल्द से जल्द अपने आधार लिंक जरूर शेयर करें। और उसके बाद में मैं गवर्नमेंट से, डीसी साहब और एसीडी साहब डोडा से एक गुजारिश करता हूं कि जो हमने 2021 में एमजी नरेगा स्कीम के तहत जो हमने काम किए थे, हमारे बिल जो है अभी तक नहीं बने। जो कि लोग सफर हो रहे हैं, लोग मटेरियल की बात करते हैं, लोग स्किल्ड की बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों को स्किल्ड दे देंगे या मटेरियल देंगे वो किस बात पर देंगे? क्योंकि 2021 में जो हमने काम किया अभी तक हमारे कुछ बिल जो है अभी तक वो बिल नहीं है, उसकी वजह से पंचायतों में काफी दिक्कत।